दोस्तों वाराणसी के सबसे बिजिएस्ट चौराहे यानी मंडुआडी चौराहे से जाम को लोगों को मुक्ति मिलेगी क्योंकि यहां पर बनने वाला है फ्लाईओवर। नमस्कार मित्रों, मैं अनिश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के स्टूडियो में आपको दिखाने वाला हूं मंडुआडी फ्लाईओवर पर जो ब्रिज बनेगा वो कहां बनेगा, क्या लंबाई होगी, क्या लागत होगी, पूरी जानकारी दूंगा और क्या परिवर्तन होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखने मिलेगी। चलिए चलते हैं दोस्तों। वीडियो की स्टार्टिंग में कर रहा हूँ मंडुआडी पुल से, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है मंडुआडी का। और वैसे भी ये भले पुल बन गया उस टाइम राहत दिया था, लेकिन दो लेन का पुल नाकाफी है इस ट्रैफिक के लिए। दाहिने साइड है टीसीएस की बिल्डिंग और इसके दाहिने साइड बाएं साइड पुल के भी रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसके लिए लाल निशान लग गया है क्योंकि बनारस स्टेशन से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मुख्य मार्ग है। और सामने ये देख रहे हैं बिना नट बोल्ट वाला मंडुआडी आरओबी, इसके बन जाने से काफ़ी लोगों को राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय में यानी 15 से 20 अगस्त तक जो लोग इस रोड से सीधे जाएंगे मंडुआडी स्टेशन सॉरी मंडुआडी थाने के लिए, उनको बाएं तरफ स्टेशन वाला रोड से घूमते हुए 100 मीटर आगे से फिर दाहिने घूमते हुए फिर सीधे जाना पड़ेगा, यानी यू टर्न लेना पड़ेगा। ये सिस्टम लागू होने वाला ट्रैफिक सुधार के नियम से, लेकिन मुझे लगता है ये और जाम लगाएगा, अभी ट्रायल करने दीजिए क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर जाम की होती है ना, बनारस से इतना जाम कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। अब वजह इसकी यह है क्योंकि चाहे प्रयागराज हो, चाहे भदोही हो, चाहे आसपास के एरिया कोलहता तक एरिया के लोग हों, सभी लोग सिटी में एंटर इसी रास्ते से करते हैं। और जब से आउटर रिंग रोड से होते हुए इनर रिंग रोड को जोड़ा गया है और लहरतारा तक ब्रिज बन गया है, तब से ट्रैफिक का दबाव इस चौराहे पर और बढ़ा है। तो ऐसे में ये रोड जाने वाली गाड़ियों को और उधर से आने वाले गाड़ियों को यू टर्न दिया जा रहा है। सामने है ये देखिए, यहाँ पर मंडुआडी चौराहा, यहीं पर फ्लाईओवर बनेगा, ऐसे बनेगा फ्लाईओवर, ऐसे यानी इधर से उठेगा, ये पार करते हुए जाएगा ककरमत्ता पुल तक। चलो दिखाता हूँ आपको। और पुल की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10.50 यानी 10.5 मीटर ये पुल चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए नापी जोखी हो चुकी है और प्रस्ताव बना के शासन को भेज दिया गया है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी शासन से मंजूरी मिल गई है। अब टेंडर होना इसका बाकी है। अब पुल की लंबाई की बात करें तो लगभग 700 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा और आने वाले समय में आपको ऐसे आगे जाकर फिर यहाँ से यानी 100 मीटर आगे से लगभग फिर यू टर्न लेकर उस वाले लेन पर जाना पड़ेगा। अब फिलहाल इस रोड को फोर लेन किया जा रहा है, यानी लहरतारा चौराहे होते हुए सुंदरपुर होते हुए BHU तक फोर लेन, फिर BHU से लेकर रविंद्रपुरी तक 6 लेन बनाने का प्रस्ताव है जिसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। और फ्लाईओवर के लिए यहाँ पे देखिए नापी जोखी भी हो चुकी है, लगभग 700 मीटर ये चौड़ा पुल बनाया जाएगा लंबाई। देखिए यहाँ से 5 मीटर तोड़ा जाएगा, चलिए उस साइड चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये सब पूरा फ्लाईओवर का एरिया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 6.050 मीटर लिखा है, ये 6 मीटर तक तोड़ा जाएगा। और अभी देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर बनेगा उसके बगल में जो सर्विस लेन बनेगा उसके लिए भी नापी हो गई, जैसे 2.8 मीटर ये तोड़ा जाएगा शोरूम बजाज वाला, ये दोनों तरह से बढ़िया तोड़ा चौड़ा जाएगा। अब पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है, तो इस प्रोजेक्ट की लागत 60 करोड़ रुपए है, यानी 60 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर का काम होगा जो कि 700 मीटर लंबा होगा। और इसकी स्टार्टिंग आपकी होगी मंडुआडी चौराहे से आगे 350 मीटर से पहले से लिया जाएगा, इसलिए देख रहे होंगे इधर भवन तोड़ा नहीं गया क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाना है तो उस हिसाब से तोड़ा जाएगा। सिग्नल खुला है देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ लगता है हमेशा, अभी तो स्टार्टिंग है, लगन स्टार्ट होने दीजिए या फिर खरमास खत्म होने दीजिए। इसे देख रहे भवन सब तोड़ा जाएगा पूरा दोनों साइड,
इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे फोर लेन काम नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज बनने वाला है। कितने लोग कह रहे हैं मरवाड़ी चौराहे पे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, तो भाई यहाँ फ्लाईओवर बनना है इसी वजह से नहीं तोड़ा जा रहा था। बाकी आपका लहरतारा से कुछ आगे तक फोर लेन का काम हुआ है और फिर ककरमत्ता से लेकर डीएलडब्ल्यू से थोड़ा बहुत फोर लेन का काम हुआ है। और ये ब्रिज कहाँ से उठेगा दिखा देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे भी हम लोग हैं यहाँ से ब्रिज की स्टार्टिंग है। बाएं तरफ है आपका आर के पुरम कॉलोनी जो वाराणसी रिलेट एरिया, यही अंदर जाता है बाएं तरफ। और देखिए यहाँ तक फोर लेन का काम स्टार्ट हुआ है और चौराहे तक लहरतारा चौराहे तक किया जा रहा है जो कि कम्प्लीट हो गया है, डिवाइडर बन गया है, मिट्टी डला गया है। तो आने वाले समय में एक नई सौगात मिलने वाली है फ्लाईओवर का, क्योंकि जो भी फोर लेन सिक्स लेन बनाया जाए अगर फ्लाईओवर नहीं रहेगा तो चौड़ा रोड करने से फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि बाद में जाम लगना ही लगना है। देखिए यहाँ पर जो रोड बनाया जा रहा है ये वाराणसी के पहले सर्विस कॉरिडोर युक्त सड़क है, यानी बन तो रहा है शहर में कई सारा लेकिन सबसे पहले इसी का प्रस्ताव किया गया था। और चौराहे पर जो मंदिर है यहाँ मंदिर ये सब हटाया जाएगा मंदिर लगभग, क्योंकि जाम न लगे आपको कोई दुर्घटना, इसलिए मंदिर किनारे किया जा रहा है, उन्हें कहीं और स्थापित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की लागत जिस पर चल रहे अभी हम लगभग 250 करोड़ रुपये इसकी आके गई है लागत। देख रहे होंगे यहाँ पर जगह जगह पे अभी काम बाकी है। और चलिए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ मैं, वैसे इसी फोर लेन का ये पार्ट है इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।